हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू गेट एकेडमी। ओके, सीएसआईटी एंड यूजीसी नेट के इस चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करती हूं। और जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए क्योंकि हम देखने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। तो भैया, ये सीरीज हमने क्यों चलाई है? ये हमने चलाई है क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने 10,000 पोस्ट निकाले फॉर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स। अब एकदम से तो टेक्निकल पे हम जाएंगे नहीं, सबसे पहले बेसिक से हमें हर चीज को पढ़ना है, रिवाइज करना है। तो जैसे हमने कल के लेक्चर में कुछ चीजें देखी थी और वैसे ही सेम आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रिंटर क्या होता है, कितने टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि मान के चलिए आप 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो कहीं नहीं गए हैं, इसमें से पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसे ये जानना बहुत जरूरी है। हेलो भुवन, कैसे हैं आप? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को। तो हार्डवेयर तो आप सभी समझते होंगे क्या होता है ना। तो मतलब एक फिजिकल डिवाइस, ये जैसे है, ये क्या है? ये हार्डवेयर है। ठीक, जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, हार्डवेयर के थ्रू आप क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। किसके साथ में? हार्डवेयर के साथ में। हार्डवेयर के अंदर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, विच हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट। ये चीज है ना, तो इसीलिए हार्डवेयर को हम क्या बोलेंगे? इट इज अ फिजिकल कॉम्पोनेंट दैट कैन बी सीन एंड टच। बचपन में हमने पढ़ा था, वही डेफिनेशन है यहाँ पे। बाय द यूज ऑफ दीज हार्डवेयर इट मेड इट वेरी इजी फॉर द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग इट्स डेटा, स्टोर एंड रिट्रीव। तो जो भी करना है वो इसमें से हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पे देखना है हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। अब एकदम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे अभी नहीं जाएंगे, पहले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है इंपॉर्टेंट, वो यहां पे हमें पता होना चाहिए। क्यों बेसिक, एकदम भी हमें बेसिक में नहीं जाना, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो चीजें। तो इनपुट डिवाइस को आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट अलाउ द यूजर टू फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर। तो भैया कंप्यूटर में मुझे डेटा फिल करना है, ठीक है, कोई भी डेटा मुझे इस हार्डवेयर में डालना है, तो मैं कैसे डालूंगी? विद द हेल्प ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा? आपका कीबोर्ड भी आ सकता है और माउस भी आ सकता है। इसके अलावा और भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपका ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, गेमिंग के लिए यूज करते हैं जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, ये सब, स्कैनर, माइक, वेबकैम, ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक, बोलने को तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इन 2 चीजों को ही पढ़ेंगे, लेकिन इन डेप्थ आपको बाकी को भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ऐसा इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इनपुट डिवाइस क्या कर रहा है, आपका फीड कर रहा है डेटा किसमें? कंप्यूटर में। किस लिए? फॉर एनालिसिस एंड द स्टोरेज, ये चीज। ठीक है, दे एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर। अब देखो यहाँ पे जो हमने कल पढ़ा था ना, वही चीज है। ठीक है, इनपुट से क्या होगा? इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपके फीड हो जाएंगे, ठीक है, और फिर वो कन्वर्ट होते हैं किसमें? एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शंस इनटू द मशीन लैंग्वेज, और उसे मशीन लैंग्वेज में फिर यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसे इस चीज को हमको यहाँ पर ऐसे समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके इन इनपुट डिवाइसेस को देखना है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं देखना है क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये सब जानते हैं। तो जैसे कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड इस तरह का कुछ होता है ना। कीबोर्ड में डिफरेंट कीज होगी, तो कौन कौन सी कीज होती है, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आपको पूछेगा कि कीबोर्ड में बताइए जो फंक्शन की होता है वो कहां पर होता है। अगर ऑफलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो देखकर बता सकते हो। ऑफलाइन एग्जाम होती है अगर, तो उसमें आप कैसे करोगे? उसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि हाँ फंक्शन की आपके सबसे टॉप पे होती है, वैसा। अल्फा न्यूमरिक कीज, तो अल्फा न्यूमरिक कीज मतलब क्या हो गई? जिसमें पूरे आपके अल्फाबेट्स आते हैं और नंबर्स आते हैं, ये होता है अल्फा न्यूमरिक कीज। ठीक है, न्यूमेरिक कहां पे रहेगा? अल्फा न्यूमरिक्स आ गए समझ में, पूरे सामने में जो ए बी सी डी पूरा क्वर्टी जो लिखा रहता है अपना, है ना, वो। फिर आएगा आपका न्यूमेरिक कीज लोकेटेड एट द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड। कई बार राइट हैंड साइड में अलग से आपको नंबर्स दिए होते हैं,
है ना, एक तो कई ऊपर में रहेंगे और साइड में भी आपके नंबर्स जो है वो दिए होते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, प्योरली न्यूमरिक कीज इन्हें कहा जाता है। देन इसके बाद में और कौन कौन से कीज होते हैं, जैसे कर्सर कंट्रोल की, ठीक है, कर्सर को अगर आपको कंट्रोल करना है तो उसके लिए, अब भैया माउस सपोज करो मेरा खराब हो गया लेकिन फिर भी मुझे सिस्टम पे तो वर्क करना है ना, तो मैं क्या करूंगी, सीधा कीबोर्ड से भी तो यूज कर सकते ना, कीबोर्ड को यूज करके भी हम यहाँ पे हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो ये जो चार कीज होती है, अगर आपने देखा होगा राइट साइड में नीचे साइड में होती है चार कीज, तो वो आपकी क्या रहेगी, वो रहती है कर्सर कंट्रोल कीज, ठीक है, कर्सर रहता है उसको चाहो तो लेफ्ट ले जाओ राइट ले जाओ जैसा भी आपको घुमाना है। एक होती है होम की, होम में क्या होगा, कर्सर कहाँ चला जाएगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, तो होम की का क्या यूज होता है, कर्सर को बिगिनिंग ऑफ द लाइन या फिर उस डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग तक ले जाना। ये अगर मैं बात करूं एंड की, तो एंड में क्या करेगा, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, एंड में आ जाएगा ऐसे, ठीक है, एकदम बेसिक है ये, एकदम ही बेसिक चीज है बता रही हूं मैं, है ना। अभी एकदम टफ के अंदर अपन गए नहीं है, वेब टेक्नोलॉजीज जो पढ़ना है एक्चुअल में, है ना, तो उसमें नहीं, अभी सिर्फ एकदम बच्चों जैसा बेसिक छोटा छोटा चीज जो है वो आपको यहाँ ध्यान में रखना, जस्ट ये आपका रिविजन एक हो सकता है ना, ब्रश अप करना है आपको यहाँ पे। पेज अप, व्हेन इट इज प्रेस द पेज व्यू विल बी रिमूव मूव्ड अप वन पेज, कर्सर गोज टू द बैक पेज, ठीक है। पेज अप में क्या होगा, एक पेज आप ऊपर आ जाओगे, पेज डाउन में एक पेज आप कहाँ जाते हो, पेज व्यू जो रहता है नीचे वाला पेज व्यू वो आपका नीचे मूव हो जाता है। कंट्रोल कीज क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, भैया कंट्रोल के साथ में आप दूसरे बटन्स को यूज कर सकते हो, है ना, जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस यहाँ पे आपके परफॉर्म होंगे, ये होता है आपका कंट्रोल की। एक होता है आपका एंटर की, एंटर में क्या होगा, फाइनल एंटर जैसे ही मारोगे तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी तुरंत, ठीक है, ये कि मतलब वो हो गया फाइनल, फिनिश हो गया, ये माना जाता है। एक होती है शिफ्ट की, तो शिफ्ट के साथ जनरली देखिएगा हम यूज करते हैं बहुत सारे कीज को, है ना, शिफ्ट ए हो गया, शिफ्ट सी हो गया, ऐसे। तो उसे क्या कहते हैं, शिफ्ट, कॉम्बिनेशन कीज। तो ये सारे आपके कॉम्बिनेशन की आ जाएंगे, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, क्यों, क्योंकि इन्हें कभी भी सिंगली यूज नहीं किया जाता, इनको हमेशा किसी ना किसी अल्फाबेट्स के साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एस्केप की, एस्केप की क्या करेगा, यूजर टू कैंसल और एबॉर्ट द ऑपरेशंस, ठीक है, उस ऑपरेशन को क्या करना है, यहाँ पे रोक देना, ठीक है, एस्केप, पूरा का पूरा आप बैक हो जाओगे यहाँ पे। विच आर एग्जीक्यूटिंग एट प्रेजेंट, इट ओपन्स द स्टार्ट मेनू विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल की, ये चीज, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस यहाँ से ही बन कर आते हैं, ऐसे इस तरह से ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिलेंगे। तो ये क्या हुआ आपका एस्केप की, बैक स्पेस किस लिए होता है, टू इरेज एनीथिंग टाइप्ड, कुछ गलत लिख दिया बैक स्पेस दबाओगे तो पीछे चले जाओगे, ये चीज। और डिलीट की क्या करेगा, उसी पर्टिकुलर चीज को वो क्या करता है, डिलीट करता है ना। यूज टू इरेज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन, डायरेक्टली कंप्यूटर मेमोरी से भी वो चीज डिलीट हो जाती है और कैरेक्टर्स जो है वो भी आपके डिलीट होते हैं डिलीट की से, है ना, वो जो एक रहेगा उसी को ही वो डिलीट करेगा, ये चीज डिलीट की। बैक स्पेस में क्या होगा, पीछे सारी चीजों को वो क्या करेगा, इरेज करेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे इसको यहाँ पे समझना होता है। तो टाइप्स ऑफ कीज, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, है ना, कि बताइए कितने टाइप्स के कीज होते हैं, तो क्या क्या बताओगे आप, कैप्स लॉक की, नम लॉक, विंडोज की, स्पेस बार की, एटसेट्रा, ठीक है। टैब की भी होता है, एक टैब के साथ आप विंडोज का यूज कर सकते हो, टैब में क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्पेस स्पेस वो आगे यहाँ पर बढ़ता है, बस ऐसे आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, इतनी चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी है। अब देखो माउस, माउस क्या है, सभी जानते हैं, इट इज अ डिवाइस, इट इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस होता है जिसमें क्या रहेंगे आपके, टू बटन्स रहेंगे, दो बटन रहते हैं इसमें, लेफ्ट और राइट, इन इट्स अपर साइड, ठीक है,
और नीचे में एक स्मॉल व्हील होता है बिटवीन दीज टू बटन्स. आप उसको पीछे मोड़ के देखोगे ना, यू विल फाइंड वो व्हील की वजह से वो क्या होता है, आपका स्क्रॉल होता है. ठीक है, इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंट आउट करेगा ना चीजों को, तो इसलिए उसको पॉइंट बोलते हैं. विच provides a mean to input data and commands in the graphics form by selecting through moving an arrow. ये चीज़, ठीक है? तो किसी को भी आपको select करना है, किसी भी चीज़ को, तो आप कैसे select करोगे उसको? With the help of mouse. अब वो कैसे होता है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, I think आप सब तो ये जानते ही होंगे इन चीजों को, है ना? ये okay. यहाँ पे एक QWERTY, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने heading गलत लिख दिया है. ठीक है, तो QWERTY कीबोर्ड के बारे में एक फैक्ट आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो कि टोटल 104 कीज होते हैं. कैप्स लॉक और नम लॉक कीज जो है, इन्हें टॉगल कीज भी कहते हैं. क्या कहते हैं? टॉगल कीज. क्योंकि जब इन्हें आप प्रेस करोगे तब क्या होगा, चेंज होगा. जो कैप्स है वो स्मॉल में हो जाएगा, जो स्मॉल है वो कैप्स में हो जाएगा. इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, टॉगल कीज. किस किस को? नम लॉक को और कैप्स लॉक को. इसके अलावा शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट, इन्हें मॉडिफायर कीज भी कहा जाता है. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल एंड ऑल्ट कीज. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि मॉडिफायर कीज इसमें से क्या कहलाएंगी, टॉगल कीज कौन सी होती है. अब एग्जाम में क्या है ना, हम ये सब पढ़ के नहीं जाते, ये सोच के कि यार इजी है, क्या जरूरत है इसको पढ़ के जाने का, बन जाएगा. लेकिन वहां पे 100% गारंटीड आप कंफ्यूज हो गए. अगर आपने एक बार नहीं पढ़ा है तो वहां कंफ्यूजन होना पक्का है. ठीक है, तो इसको आपको यहां पर ध्यान में रखना है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो ये हमने देख लिया था पॉइंटिंग डिवाइस, जिसको आप क्या बोलोगे, माउस. ठीक, अब माउस में भी यूज टू पोजिशन द कर्सर ऑन द स्क्रीन. तो स्क्रीन में कहीं पर भी मुझे अगर कर्सर ले जाना है तो मैं कैसे ले जाऊंगी उसको, माउस के थ्रू. या फिर जो हमारे पास ये चार एरोज होते हैं, कीज होती है ये वाली कीज, तो इसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. माउस को इन्वेंट किसने किया था, डॉगलस एंगलबर्ट ने. ये आपको ध्यान में रखना है ना, ये फैक्ट भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कई बार कि माउस का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है. ऐसे कंप्यूटर में कई सारे क्वेश्चंस ना आपके एकदम फैक्ट वाले हो जाते हैं. तो ये इसका आंसर क्या रहेगा आपका, डॉगलस एंगलबर्ट. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अगर मैं माउसेस की भी बात करूं तो यहाँ माउस भी अलग अलग टाइप के होंगे, वायरलेस, मैकेनिकल, ऑप्टिकल माउस. ठीक, ये जिसके बारे में हम बाद में इन डेप्थ और डिटेल में देखेंगे. आज हमें सिर्फ इनपुट डिवाइसेस और कौन कौन सी होती है उसको यहाँ पर देखना है. ठीक, चलिए ट्रैक बॉल. अभी ट्रैक बॉल क्या होगा, इट इज अनदर पॉइंटिंग डिवाइस विच इज एन ऑल्टरनेटिव टू द माउस. तो भैया माउस की ही तरह होता है ट्रैक बॉल भी. ठीक है, यूज टू कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट्स ऑन द स्क्रीन. सेम चीज, ये देखिए फोटो बनी हुई है, ट्रैक बॉल इस तरह का कुछ होता है. ये उसको आप उसके ऊपर में ऐसे रिंग टाइप का रहेगा, उसको आप क्या कर सकते हो, इधर इधर रिमूव मूव जो है कर सकते हो. लाइट पेन, अब अगर मैं बात करूं लाइट पेन की, तो ये क्या हुई भैया, ये भी आपका हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस. जनरली जो भी बड़े बड़े हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसमें, उसके साथ एक ऐसी पेन आती है ना, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, लाइट पेन बोल सकते हो, है ना. ग्राफिक्स डिजाइनिंग, मेन्यू सिलेक्शन, ये सब में काम आता है, इसको भी मैं कह सकती हूँ ये पेन. ठीक, ऐसा तो ये क्या हुआ, लाइट पेन. ये क्या है, ये भी तो एक इनपुट डिवाइस है. मैंने यहाँ पर एक फूल बनाया तो मैं क्या कर रही हूँ, इनपुट डाल रही हूँ. ठीक, तो ये इट हेल्प्स मी फॉर इनपुटिंग एनी डेटा, तो इसलिए ये भी क्या हो गया मेरा, एक इनपुट डिवाइस हो गया. ये होती है आपकी लाइट पेन, ये चीज है. ठीक, फिर बारकोड रीडर. बारकोड रीडर भी आई गेस आप लोग को मालूम होगा, इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज फॉर रीडिंग द प्रिंटेड बारकोड्स. तो जब भी हम सुपरमार्केट्स जाते हैं वहां पे सामानों का क्या किया जाता है, ऐसे पंच करता है वो, जब भी आप उसको पैसे के लिए जाओगे काउंटर के पास में, तो है ना, तो वही बारकोड रीडर जो है वो क्या करेगा, जो भी उस आइटम, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड्स रहते हैं, इस तरह की लाइंस लाइंस रहती है व्हाइट और ब्लैक कलर की, उसको रीड करता है, उसके अंदर में कोड्स होते हैं. ठीक है, उससे उसका पूरा डिटेल जो है आ जाएगा ऑन द प्रोडक्ट टू बी सोल्ड. इट एमिट्स अ बीम ऑफ लाइट. तो अब बारकोड भी क्या कर रहा है, एक बीम ऑफ लाइट को एमिट कर रहा है, विच रिफ्लेक्ट्स ऑफ द बारकोड इमेज.
तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं समझना है, इनपुट। देन माइक, जो भी चीज बोलते हो, अभी मैं भी इस माइक से बोल रही हूँ, ठीक, तो ये क्या हुआ मेरे लिए, एक इनपुट डिवाइस। वी कैन सेंड डेट, वी कैन सेंड इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू अ स्पेशल मैनुअल इनपुट डिवाइस कॉल्ड माइक्रोफोन और माइक, ठीक है। तो माइक या माइक्रोफोन से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेटा वेटा जो भी है वो आप भेज सकते हो, राइट। मैं बोल रही हूँ तो भैया माइक क्या हेल्प कर रहा है, डेटा ले रहा है ना, वो इनपुट कर रहा है ये चीज। तो माइक कन्वर्ट करता है रिसीव्ड साउंड इनटू कंप्यूटर्स फॉर्मेट, तो कंप्यूटर के फॉर्मेट में उसे क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जिसको आप कहोगे डिजिटाइज्ड साउंड और डिजिटल ऑडियो, डिजिटाइज्ड साउंड और डिजिटल ऑडियो, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देन टू कन्वर्ट अ वॉइस इनटू डिजिटल फॉर्म, अगर मुझे किसी भी वॉइस को, अभी मैं जो ये बोल रही हूँ भैया कहीं ना कहीं ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो उसको कन्वर्ट होने के लिए यू नीड एन एडिशनल हार्डवेयर नोन एज साउंड कार्ड, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एक हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है जिसको क्या बोलते हैं, साउंड कार्ड, ऐसे। तो ऐसे आपको यहाँ पर सिर्फ ये चीजों का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एकदम, आपको माउस नहीं पूछेगा कि माउस क्या होता है, माइक क्या होता है, नहीं ये नहीं पूछेगा, उसकी जो भी काम की चीजें हैं उसके अंदर से क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसको आप क्या बोलोगे, साउंड कार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। वेब कैम, अभी आप वेब कैम का क्या काम है, यहाँ पर वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस, ठीक है। वेब कैम रहता क्या है, ये जैसा मेरा सिस्टम है, सिस्टम के यहाँ ऊपर में लटका रहेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं वेब कैम। वीडियोग्राफी के लिए यूज किया जाता है इसको जनरली, ठीक है। जूम वूम के लिए हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इट इज अ डिजिटल कैमरा अटैच्ड टू कंप्यूटर यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैटिंग एटसेट्रा, तो इसके लिए यहाँ पे इस वेब कैम को यूज करते हैं। तो ये भी आपका क्या है, वेब कैम, ये भी एक आपका इनपुट डिवाइस है, इमेज को ले रहा है ना, ठीक है, इमेज को क्या करता है, ये लेता है ऐसे। अब अगर मैं बात करूं आउटपुट डिवाइसेस की, ठीक है, देख लिया हमने इनपुट, होते और भी हैं लेकिन सारे यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको यहां पर पता होना चाहिए। चलिए अब अगर मैं बात करूं आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट क्या करेगा, डेटा बाहर देगा, राइट। पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट, डेटा प्रोसेसिंग का जो भी रिजल्ट है उसको बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में देना, तो ये काम किसका रहेगा, आउटपुट डिवाइसेस का। जैसे कि मॉनिटर, या यहाँ पे ये देखो ये क्या है मेरा, ये एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये क्या कर रहा है, डेटा दे रहा है ना आउटपुट, ठीक है। मॉनिटर, प्रिंटर्स, प्लॉटर, देन स्पीकर्स, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स, तो ये सारी चीजें क्या रहेंगी आपकी, आउटपुट डिवाइस। याद रखिएगा माइक इनपुट है, हेडफोन्स आपके क्या है, आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर्स आपके आउटपुट डिवाइस है ना, ऑडियो आता है सुनाई उससे, ये मॉनिटर। अब देखो गजब की चीज यहां पे, ठीक है, मॉनिटर को आप क्या बोलोगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, क्या बोलेंगे इसको हम, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऐसे, ठीक है। मॉनिटर इज प्रोवाइडेड अलोंग विद द कंप्यूटर, या कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है उसमें मॉनिटर, माउस, CPU, कीबोर्ड, चारों चीजें आती है। ऐसा तो है नहीं CPU, कीबोर्ड और माउस दे दिया बोलेगा मॉनिटर नहीं मिलेगा आपको या फिर ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक। मॉनिटर आपके कंप्यूटर के ही साथ आता है, किस लिए आता है भैया, डिस्प्ले, आप देखोगे किसमें चीजों को, देखोगे तो इसमें क्या है ना, तो व्यू करने के लिए, देखने के लिए ही हम मॉनिटर का क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। और मॉनिटर को कहा जाता है वीडियू, वीडियू का फुल फॉर्म ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब मॉनिटर्स भी ना आपके दो अलग अलग तरीके के होते हैं, हेलो नीतू, हाउ आर यू, गुड इवनिंग, ठीक। जैसे कि एक होगा आपका मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर, दूसरा होगा कलर डिस्प्ले मॉनिटर, ठीक है, कौन सा, मोनोक्रोम एंड कलर, दोनों में क्या अंतर है। तो भैया मोनोक्रोम, एज द नेम सजेस्ट, मोनोक्रोम मतलब कि सिंगल कलर, इट विल गोइंग टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड कलर, ठीक है, इट विल गोइंग टू डिस्प्ले टेक्स्ट या फिर कलर यूजिंग ओनली वन कलर, ठीक है, एक ही कलर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन जो कलर डिस्प्ले होता है, जो हम देखते हैं जनरली, अब जो यूज होता है, ये जो मोनोक्रोम्स है ये पहले यूज होते थे, अब नहीं होते, ठीक है। तो अब कौन से यूज होते हैं, अब होते हैं हमारे
कलर डिस्प्ले मॉनिटर जो कि 256 टाइप के कलर्स को यहाँ पर एट अ टाइम डिस्प्ले करता है ऐसे. एन इमेज ऑफ द मॉनिटर इज क्रिएटेड बाय कॉन्फिग्रेशन ऑफ डॉट्स. अब यह जो इमेज बन रही है ठीक है, कुछ भी इमेज आ गई, फोटो आ गई, यही आ गया सपोज करो ठीक है, ये कैसे बन रहा है, छोटे छोटे डॉट्स से. किससे? छोटे छोटे डॉट्स से. और इन्हीं डॉट्स को आप क्या बोलोगे? पिक्सल्स. क्या बोलते हैं इसको अपन? पिक्सल्स बोलते. देखना किसी फोटो को आप जूम करना, बहुत ज्यादा जूम करना, फिर ऐसे बोलते हैं ना कि फोटो आपकी फट रही है. तो फटना क्या होता है? आपके पिक्सल्स एकदम क्लियरली आपको दिखते हो, पूरे फट जाते हैं वो चीज, है ना, और ज्यादा उसमें दिखेंगे इलैबोरेट होकर. वही होते हैं पिक्सल्स, डब्बे डब्बे बने होते हैं ना, वो चीज, वो पिक्सल होता है. द रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन हर्ट्ज. हर्ट्ज में मेजर करेंगे ठीक है, जो भी रिफ्रेश रेट होता है किसका? मॉनिटर का. मैम ये इसमें क्या क्या याद रखना है? इसमें आपको पहले वीडियो को याद रखना है, मॉनिटर कितने टाइप के होते हैं. मोनोक्रोम में आपका एक ही कलर यूज होगा टेक्स्ट को डिस्प्ले करने में, लेकिन कलर जो है वो 256 टाइप के कलर्स को एक ही टाइम पे यूज कर सकता है. और यही फैक्ट्स हैं जो आएंगे एग्जाम में. ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट्स जो है आपको वो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी आप कंप्यूटर की दे रहे हो, है ना. तो अगर कंप्यूटर आ रहा है आपके किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप दे रहे होगे, है ना, उसमें ये सब पूछता है. देन पिक्सल्स, ठीक है, पिक्सल्स पता होना चाहिए. जो डॉट्स होते हैं जिससे कि आपकी एक इमेज बनती है, वही आपका पिक्सल कहलाता है. और मॉनिटर को अगर मुझे मेजर करना है, मैं किस में करूंगी? हर्ट्ज में मेजर करूंगी, ऐसे ठीक है. पूरा थ्योरी, लेकिन फिर भी बोरिंग नहीं है, इसको अच्छे से समझोगे ना तो बहुत इंटरेस्ट आता है. जैसे कि ये देखिए, ये आपका क्या है? मोनोक्रोम कंप्यूटर, ठीक है, सिंगल कलर है. सिंगल कलर यूज होता था पहले, अब नहीं होता ये यूज, पहले होता था ऐसे. देखिए अब इमेज आपकी कितनी क्लियर है या कितनी खराब है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है तीन फैक्टर्स पे, ठीक है. कितने फैक्टर्स? तीन फैक्टर्स. क्या क्या है? पहला है रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन. रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डायरेक्शंस. जो भी इमेज है उसमें कितने पिक्सल्स हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, वर्टिकली कितने हैं, ठीक है. ये रेजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर इज हायर व्हेन द पिक्सल्स आर क्लोजर टुगेदर, ठीक है. जितने पास पास में रहेंगे, जितने ज्यादा रहेंगे, उतना ही क्लियर इमेज जो है वो आपको यहां पर मिलेगा. तो रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन, ये इस पर डिपेंड करता है कि इमेज आपकी कितनी क्लियर रहेगी. दूसरा है डॉट पिच. ये क्या है? रिफर्स टू द डायगोनल डिस्टेंस, डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन टू कलर्ड पिक्सल्स, ठीक है, या दो कलर. अब यार सपोज करो एक है आपका रेड कलर, एक है आपका यहाँ पर येलो कलर, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया आपका कोई रेड कलर, सपोज कर रही हूं मैं, ठीक है. तो ये दो रेड कलर के बीच में, ठीक है, दो रेड कलर के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो यही होता है आपका डॉट पिच. इसको हमको इन डेप्थ देखना पड़ेगा, ठीक है, जब स्पेसिफिकली इसके बारे में जब पढ़ेंगे उस समय इन चीजों को आपको ध्यान देना है कि ये एक्चुअली क्या होता है. स्मॉलर द डॉट पिच द बेटर इज द रेजोल्यूशन. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें से, डायरेक्ट, ठीक है, कि डॉट पिच अगर हायर है तो बेटर रेजोल्यूशन होगा, डॉट पिच कम है तो कम रेजोल्यूशन होगा, क्या रहेगा? तो ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, है ना, कि डॉट पिच जितना कम रहेगा, मतलब डिस्टेंस जो है वो जितना कम रहेगा दो कलर्ड सेम कलर के पिक्सल्स के बीच, उतना ही बेटर रेजोल्यूशन यहां पर मिलेगा, ये चीज, ठीक है. पिक्सल्स बस ये मानिए कि पास पास में होने चाहिए, बहुत ज्यादा फैले हुए नहीं. थर्ड है रिफ्रेश रेट. ओके, रिफ्रेश रेट, द हायर द रिफ्रेश रेट द मोस्ट सॉलिड द इमेज लुक्स ऑन द स्क्रीन, ये चीज, ठीक है. रिफ्रेश रेट जितना ज्यादा रहेगा, जस्ट वन सेकेंड, उतना ही आपका इमेज जो है वो और ज्यादा यहाँ पे क्लियर दिखेगा. अभी ये सब चीजों को यहाँ सिर्फ मैंने, बिकॉज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन के ही पैटर्न में बताया, नहीं तो इसको हम और ज्यादा अच्छे से जब लाइव ऐप पर हमारी क्लासेस होंगी तब यहाँ पे आपको डिटेलिंग मिलेगी. इसके अलावा यही अगर हम कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लासेस को तो फिर यहाँ पर मैं आपको और ज्यादा अच्छे से ये सब चीजों को समझाऊंगी कि एक्चुअली होता कैसे, ये वर्क कैसे करता है ऐसे, ठीक है.
इम्पॉर्टेंट सॉरी पॉपुलर टाइप ऑफ मॉनिटर्स, अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से यहाँ पे पॉपुलर टाइप के मॉनिटर्स हैं तो आप क्या बताओगे? एक होता है कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी मॉनिटर, ठीक है, कैथोड रे, ये एक टेलीविजन की तरह ही सेम वर्क करता है, इसके अंदर एक वैक्यूम ट्यूब होता है, बस ये चीज जो हाईलाइट किया है ना वही चीज बस जानना है, पूरा इनडेप्थ नहीं समझना है, ठीक। क्या रहेगा इसमें? एक वैक्यूम ट्यूब, इसमें एक फाइन लेयर रहती है ना स्क्रीन के ऊपर में, एक फाइन लेयर रहती है किस चीज की? फॉस्फोरसेंट एलिमेंट्स कॉल्ड फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस की एक एलिमेंट होती है तो उसकी एक फाइन लेयर रहेगी उस स्क्रीन के ऊपर में, ये चीज। तो ये किसमें है? आपका कैथोड रे ट्यूब में, सीआरटी जिसको कहते हैं, ठीक है। इट इज अ टिपिकल रेक्टेंगुलर शेप्ड मॉनिटर, डेस्कटॉप की तरह ही होता है, सेम उसी के लिए ही वर्क करता है। देन एक होगा आपका एलसीडी, पहले एलसीडीज चलते थे अब तो एलईडीज आ गए, क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। एलसीडी का पहले तो फुल फॉर्म ये मालूम होना चाहिए, ठीक। ये स्क्रीन्स कहाँ यूज होती है? आपकी लैपटॉप्स में या फिर नोटपैड साइज का जो पीसी रहेगा उसमें ये यूज होगा। अ स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक। तो जो स्क्रीन में डिफरेंट प्लेट्स होते हैं, ठीक, तो उसमें एक लिक्विड जो है वो डला हुआ रहता है वो स्क्रीन्स के बीच में, ये चीज, ठीक है। थिन रहेगा, फ्लैट रहेगा, लाइट वेट स्क्रीन रहेगी। आजकल की आप स्क्रीन देखिए ना, एकदम पतली आती है, ठीक है, एकदम पतली रहेगी और बहुत लाइट वेट रहती है, बहुत हैवी नहीं होती जैसे पहले होती थी। वीडियो कॉन्स की पहले टीवी देखिए कितनी बड़ी बड़ी आती थी, तो वैसा अभी नहीं होता, ठीक है, ये चीज। तो ये क्या हुआ अपना एलसीडी। थर्ड होता है एलईडी। एलईडी क्या है? आपका लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, ठीक है। ये भी आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एमिट्स लाइट व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट पासेस थ्रू इट, ठीक है। तो जब करंट आप पास करोगे तब ये लाइट को क्या करता है? एमिट करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, ये चीज। किस तरह के लाइट्स प्रोड्यूस करेगा? रेड लाइट जैसे, ठीक है, पहले करता था लेकिन अब पूरा आरजीबी जितने भी कलर्स है ना, ये और व्हाइट लाइट, तो ये सबको ही यहाँ पर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है ऐसे। तो ऐसे आपको ये चीज यहाँ पर मालूम होनी चाहिए कि कितने टाइप के यहाँ पर मॉनिटर्स होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है छोटा छोटा सा, ठीक है, सब्जेक्ट ये वाला फंडामेंटल्स बहुत ईजी है, लेकिन बस छोटे छोटे पॉइंट वाइज में आपको यहाँ पर चीजें मालूम होनी चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा लेकिन इसी को पूछेगा। एक होता है आपका टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये भी बोल सकते हैं, विद एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले, ईच पिक्सल कंट्रोल्ड बाय टू और फोर ट्रांजिस्टर्स दैट कैन मेक द स्क्रीन फास्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स का यूज कौन से वाले मॉनिटर में होगा? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स में, ठीक है। ये ऐसे डायरेक्ट इसी तरह के नाम आते हैं इसमें और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इनके आपको क्लासिफिकेशन जो है वो पता होने चाहिए कि कौन से हैं कौन से यहाँ पर नहीं है। ऐसा सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, ठीक है, वो है आपका प्रिंटर, ठीक है। मैं पीडीएफ से इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब मैंने इसकी क्लास ली थी तब मैंने इसका पावर पॉइंट बनाया था, इसका पावर पॉइंट मेरे से कहीं गुम गया है, ठीक है। तो मैंने, मुझे ये याद था कि मैंने उसके पीडीएफ में कन्वर्ट करके रखी है, इसीलिए मैं उसको पीडीएफ में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये चीज। पर ये है मेरे ही नोट्स खुद के बने हुए, चलो, ठीक है। प्रिंटर, प्रिंटर क्या करेगा ये तो सब जानते हैं, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं एग्जाम में प्रिंटर से, ठीक है। अ प्रिंटर प्रिंट्स द इंफॉर्मेशन एंड डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन टू अ पेपर, एक पेपर पे जो भी चीज प्रिंट होकर आ रही है वो कैसे आ रही है? आपके प्रिंटर के थ्रू। प्रिंटर आपका क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक। जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हो उसका क्या होता है? एक प्रिंट निकल के आ जाता है, ठीक है। पीडीएफ, इस तरह के पीडीएफ को भी आप क्या कर सकते हो? प्रिंटर के फॉर्म पे निकाल सकते हो, ये चीज, ठीक है। इट कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट्स इन कलर एज वेल एज ब्लैक एंड व्हाइट, ऑब्वियसली जैसा भी प्रिंटर रहेगा, ये चीज, ठीक। प्रिंटर की क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर में किस तरह की इंक यूज की गई है, तो उससे ठीक है, तो उससे ही पता चलता है कि कितनी क्लैरिटी आएगी, है ना, कितना क्लियर रहेगा वो प्रिंटर, कितना अच्छा रहेगा वो, इस चीज से आप बता सकते। सबसे मेन चीज ये है स्पीड। आप प्रिंटर की स्पीड को मेजर किस में करेंगे?
कैरेक्टर्स पर सेकेंड, लाइन्स पर सेकेंड एंड पेजेस पर सेकेंड, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्या है आपका प्रिंटर की, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्पीड को मेजर कर रहे हैं। प्रिंटर रेजोल्यूशन इज अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ प्रिंट क्वालिटी दैट इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच, डीपीआई, डॉट्स पर इंच में इसे क्या किया जाता है, यहाँ पे मेजर किया जाता है कि क्वालिटी कैसी है, प्रिंट की क्वालिटी यहाँ पर कैसे आ रही है, ये चीज, ठीक है। बस कैरेक्टर्स पर सेकेंड, यस, पेड कोर्स में नोट्स, हाँ बिल्कुल, पेड कोर्स में हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको, वर्कबुक प्रोवाइड करेंगे पूरे क्वेश्चंस की, सारा चीज आपको मिल जाएगा उसमें, हर एक चीज ये, और बिल्कुल वो आपके लैपटॉप पे भी आई गेस चलता है, हाँ चलता है, वो लैपटॉप पे भी लाइव ऐप की क्लासेस चलती है आपकी, उसका एक होता है कुछ ऐप होता है तो वो आपको बता दिया जाएगा कि उसको आप कैसे चला सकते हो लैपटॉप पे, वो भी चलता है, सब बनेगा। देखो लाइव ऐप पे क्लासेस होना एक अलग तरीका होता है उसका, ठीक है, वहां पर एक एक चीज आपको बारीकी से समझानी पड़ती है, ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब पे नहीं समझा सकते, हम यहाँ भी समझा सकते हैं, पर यहाँ पर हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है कि ये टाइम है, इस टाइम पर ही आपको ये चीज को खत्म करना है, फिनिश करना है, दैट इज द रीजन, है ना, ऐसा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो मेन चीज प्रिंटर। अब प्रिंटर आपके दो टाइप्स के होंगे, कौन कौन से, एक होगा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होगा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक। इम्पैक्ट, अब इम्पैक्ट भी आपके दो टाइप्स के हो जाते हैं ना, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो प्रिंट करेगा, और एक आपका क्या रहेगा यहाँ पे, लाइन प्रिंटर। हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोग को धुंधला दिख रहा होगा ये चीज, मे बी पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक, तो अभी इसका आप टेंशन मत लेना, अपन इसको एक एक करके समझ लेंगे। तो मैंने क्या बोला, प्रिंटर दो टाइप का होता है, एक है आपका इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में आ जाएगा जैसे डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर, चेन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ये सबसे, डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, कहीं नहीं जाता, सीधा पूछेगा, बोल बताओ डेजी व्हील पूछेगा, बताइए इसमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, और ऑप्शन में क्या रहेगा, डेजी व्हील, लेजर इंक जेट या फिर थर्मल प्रिंटर, तो आपका आंसर क्या होगा, डेजी व्हील, ऐसा। इसमें से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, इसमें से तीन ऑप्शन रहेंगे, चौथा ऑप्शन आपका लेजर प्रिंटर रहेगा, तो आंसर क्या होगा, लेजर, ठीक है। एक एक इसके बारे में, इसमें से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किसको पढ़ते हैं, ये चीज, तो ये होगा आपका डेजी व्हील प्रिंटर, जो कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चीजों को प्रिंट करेगा। लाइन क्या करेगा, लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे इसको यहाँ पे समझा जाता है। हाँ मैं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल नहीं प्रभु, अरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अच्छा ये बहुत फास्ट लग रहा है क्या, ओके नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, अपन इसको आराम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो कि मैम इतना फास्ट पढ़ा के क्या खत्म कर दोगी क्या, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, आराम से ही इसे यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल इसका टेंशन मत लो, मैं बोली ना मत लो टेंशन, ऐसा, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स मैम 2021 आते ही है, वही तो मैं बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना वो मजाक था, ये मेन है, प्रिंटर्स को पूछता है, यस, ठीक है, ऐसे, और कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये भी हम करेंगे भैया, क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, जब तक क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसलिए मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को यही चीज बोलती हूँ, जितना हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है, ऐसा। ये अगर मैं बात करूं नॉन इम्पैक्ट की, तो नॉन इम्पैक्ट आपके तीन तरह के होते हैं, एक होता है लेजर प्रिंटर, इंक जेट और थर्मल प्रिंटर, ये चीज, ठीक है, एक एक करके हमको इन प्रिंटर्स के बारे में जानना है, और बेसिक ही जानना है, बहुत ज्यादा नहीं, कोई हमें प्रिंटर की दुकान नहीं खोलनी, ना ही प्रिंटर का कोई बिजनेस चालू करना है, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा चीज क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस उतनी चीजों को यहाँ पे मालूम रखनी है, ठीक है, चलो। अच्छा आपने देखा क्या नितिन, ओके डीबीएमएस, यस, मेरा डीबीएमएस पर पूरा लेक्चर बना हुआ है ना,
उसमें मैंने बहुत सारी डिफरेंट क्वेरीज पढ़ाई है, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई है ना उसमें, तो वो लेक्चर आप लोग देख सकते हो। मेरा डीबीएमएस का लेक्चर आपको मेरा गेट एकेडमी प्लस के चैनल पे मिलेगा, तो कोमल मैम डीबीएमएस लिखोगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगा ऐसे, तो ध्यान में रखना इस चीज को, है ना। आपका डीबीएमएस भी इंपॉर्टेंट है, पूछा है इसमें, मतलब इसका जो सिलेबस आया है ना राजस्थान एग्जाम का, तो उसमें पूरा इसके बारे में भी है, मतलब डीबीएमएस के बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें, सारे टॉपिक्स हैं। और मैं आपको अभी से बता रही हूँ, वेब टेक्नोलॉजी पीएचपी को पूछेगा, पूछता है क्योंकि ये चीज़ इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है, इम्पैक्ट डालना ये होता है, जैसे डॉट 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 करके क्या करना है, इम्पैक्ट डालना, उसी को इम्पैक्ट प्रिंटर्स फॉर्म इमेजेस एंड कैरेक्टर्स। ये क्या फॉर्म करेगा, इमेज को फॉर्म करेगा, कैरेक्टर को फॉर्म करेगा, बाय स्ट्राइकिंग अ मैकेनिज्म सच एज प्रिंट हैमर और व्हील, प्रिंट हैमर और व्हील ऐसे, ठीक है, ये चीज अगेंस्ट एन इंक्ड रिबन लिविंग एन इमेज ऑन द पेपर, कुछ नहीं है, हैमर का यूज होगा इसमें, किसका, हैमर का, ये देखिए जिस तरह के दिख रहे हैं ना, ये यहां पे ये हैमर होता है, ठीक है, इधर साइड में, ठीक है, और क्या करता है वो, जो रिबन रहेगी इंक्ड रिबन जो होती है, ठीक है, उसके साथ में एक ऐसे 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 वर्क करेगा, जिस वजह से यहां पर पूरा प्रिंट आता है, इस पर पूरे ऐसे 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 प्रिंट आना चालू हो जाते हैं, ये चीज, ठीक है, किसका यूज होता है, हैमर प्रिंट अगेंस्ट एन इंक रिबन, और बिकॉज वो ऐसे थप 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 करेगा इस वजह से वहां पे डॉट 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 करके पूरी इमेज आ जाती है, ठीक। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स फॉर्म कैरेक्टर्स एंड इमेजेस विदाउट द डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटिंग मैकेनिज्म एंड द पेपर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होकर वो क्या करेगा, एक अलग पैटर्न में यहाँ पे वर्क करता है ऐसे, ठीक, ये होता है आपका। एक सिर्फ मैंने इम्पैक्ट प्रिंटर बताया है, ठीक है, मैं क्या सोच रही हूँ कि ये लेक्चर को हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कल अपन प्रिंटर को एकदम तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज इसके बारे में, प्रिंटर्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, पूरा सारे प्रिंटर्स के बारे में, है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी फिर से बता रही हूँ ये चीज, है ना, इससे क्वेश्चन आता है। मैं क्या सोच रही हूँ, अभी करते हैं क्वेश्चंस, थोड़े से क्वेश्चंस हैं चार पांच, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। नहीं नहीं नहीं, गेट लेवल का नहीं आएगा, नहीं, एकदम हाई गेट लेवल का नहीं आता इसमें, इसमें थोड़ा सा नीचे अपना कवर हो जाएगा, नहीं नहीं उतना ज्यादा इन डेप्थ अपन नहीं पढ़ाएंगे उसमें, जितने की जरूरत है, जितने में आपका एग्जाम निकल जाए, ये चीज, ठीक है। अब एक सेकेंड ना, मैं आप लोगों को चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहां पर, ठीक, आप लोग आंसर दीजिएगा, लेट्स सी। बताओ पहला क्वेश्चन, विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इन टू द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा यूनिट इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि डेटा जो यूजर से हमारे पास आया है उसे आप एक कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में डालते हैं, मतलब मशीन में डालते हैं। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत पुष्पेंद्र। ALU कैसे होगा, ALU किस लिए काम आता है, ये तो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करना है ना भैया, मेरे को प्लस करवाना, मेरे को माइनस करवाना है, मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए लॉजिकल करवाना है कि भैया दो नंबर का एंड होना चाहिए, दो का और होना चाहिए ऐसे, इसलिए इसका आंसर बी नहीं होगा बेटा, इसका आंसर होगा सी, इनपुट डिवाइस। याद करो, अब भी मैंने इसको बताया था जब इनपुट डिवाइस हमने चालू किया था, पहला स्टेटमेंट ही यही था कि वो क्या करता है, यूजर का जो एक्सेप्टेड डेटा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, किसको, इनपुट डिवाइस, ये, ठीक है, इसका होगा यहां पर आंसर सी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज, जल्दी से बताइए स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, बाइट, निबल, बिट या फिर केबी, क्या होगा इसका आंसर बताओ यहां पे। इसका आंसर बताओ। ओके, कुछ नहीं होता,
बहुत बढ़िया, देखो इसका हर्ष ने इसका आंसर सही दिया, दैट इज बिट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो जब लाइव ऐप पे पढ़ेंगे ना, हिंदी इंग्लिश सब रहेगा उसमें, ठीक है, सब बिल्कुल टेंशन मत लेना इस चीज का कि कहीं होगा कि नहीं, हो जाएगा, सब बढ़िया से हो जाएगा। यहाँ पे बस ध्यान दो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर में जो भी डेटा हम डालते हैं उसकी यूनिट होती ना सब, तो कंप्यूटर में भी यूनिट्स होती, उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होगी, तो आंसर क्या होगा आपका, बिट, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे, वन निबल इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स, जल्दी से बताइए एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा, वन निबल इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 4, तो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से क्या समझ आया, देखो मेरा एक स्टाइल क्या है मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन सिर्फ इसलिए नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कराने का मतलब ये होता है कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, इस पैटर्न से क्या समझ में आया कि भैया जितने भी कन्वर्जन है वो मालूम होने चाहिए, वन बिट, वन बाइट में क्या होता है, वन बिट में कितना निबल होता है, क्या होता है, सारी चीजें, पूरी कहानी यहाँ पर मालूम होनी चाहिए, यूनिट से रिलेटेड, यूनिट कन्वर्जन्स कितने होते हैं, यूनिट्स कितने कितने टाइप के होते हैं, ये चीज है ना। नेक्स्ट, डिवाइस दैट यूज टू गिव सिंगल और मल्टी कलर्ड इमेजेस एंड ड्रॉइंग्स आर कॉल्ड, सिंगल और मल्टी कलर्ड इमेजेस या ड्रॉइंग्स के लिए किस डिवाइस का आप यूज करोगे, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, वीडियोस, यस बिल्कुल है ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स, इसका आंसर क्या होगा आपका, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स, इसका आंसर 4 होगा, मॉनिटर्स भी बोल सकते हो क्योंकि मॉनिटर्स को ही तो वीडियोस कहा जाता है, ये चीज है ना, ये हो सकता है, लेकिन यहां पर इसका आंसर अभी क्या आएगा, यहां पे वीडियोस, प्रिंटर है, कल बनाएंगे प्रिंटर को, ठीक है, प्रिंटर वाले क्वेश्चन को इसलिए मैं अभी हटा रही हूं। अ डैश मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड नॉर्मली यूज विथ नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम्स, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी या फिर फ्लैट पैनल मॉनिटर्स, बताइए कौन सा मॉनिटर है जो यहां पे टेलीविजन की तरह दिखता है, बढ़िया, वेरी गुड, सही है बेटा, याद रखना इसका आंसर है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब्स, ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब्स, तो ये ऐसे मॉनिटर्स हो जाए टीवी की तरह दिखते हैं, नॉर्मली नॉन पोर्टेबल मतलब जिसको आप इधर उधर लेकर नहीं जा सकते, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ ही ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलो, आउटपुट यूनिट का इसमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है, जल्दी से बताइए, बताओ इसमें से आउटपुट यूनिट का एक फंक्शन नहीं है, क्या होगा इसका आंसर, बताओ बताओ बताओ, और इस सेशन को प्लीज 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 आप लोग शेयर कर दीजिए, है ना, जितने ज्यादा लोगों से आप शेयर करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे क्या होता है हम भी बूस्टअप होते हैं कि और ज्यादा क्लैरिटी के साथ में वैसे क्वेश्चंस हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, दैट इज द रीजन। ठीक है, चलो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है डी, भैया देखो यहाँ पे रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है, दैट कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाय द यूजर, करेक्ट है, ठीक, एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर, सही है, सप्लाई द डेटा इंस्ट्रक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड को भी,
लेकिन सप्लाई द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, या कंप्यूटर को वापस से थोड़ी सप्लाई करेगा, ये तो इनपुट डिवाइस ही करेगा क्या, है ना, ये काम कौन करेगा, ये तो इनपुट डिवाइस ही करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, डी, याद रखिएगा क्या आंसर रहेगा इसका, डी। वीडियो स्टैंड्स फॉर, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में ना, वीडियो स्टैंड्स फॉर बताइए, बोलो, बहुत बढ़िया, यस, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो वीडियो का फुल फॉर्म क्या रहेगा आपका, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। चलो, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए अगर आप लोग बना सकते हैं तो। जॉयस्टिक टिपिकली हैज अ बटन डैश दैट कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट द ऑप्शन पॉइंटेड बाय द कर्सर, तो जॉयस्टिक पता है ना क्या होता है, गेमिंग के लिए यूज होता है, तो उसमें बटन कहां पर रहता है आपको ये बताना है, बॉटम, लेफ्ट, राइट या फिर टॉप पे, बताइए। जॉयस्टिक यूज किया है कभी, मारियो आरियो खेला होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका टॉप पे, क्या रहेगा, टॉप, ठीक है। अच्छा नहीं खेले, ओके, इसका आंसर है टॉप, याद रखिएगा, ठीक है। जॉयस्टिक पर ऊपर में बटन रहता है और फिर वो बटन को आप ऐसे 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 करते हैं, ये चीज, ठीक है। ये बाकी के क्वेश्चंस को हम कल करेंगे, काफी क्वेश्चन है मेरे पास में प्रैक्टिस करने के लिए, कल हम पढ़ेंगे प्रिंटर्स को, ठीक है। तो प्रिंटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसे मिस मत कीजिएगा। जो भी रहेगा अपना डाउट आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है तो वैसे वो नॉन टेक से रिलेटेड, ठीक है, पर अगर आप लोग चाहें तो उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोमल व्यास 92 के नाम से, ओके। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। क्लास की जो टाइमिंग्स है ये हमारी रहती है अभी 4 PM पर, ठीक है, 4 PM पे, और हम देख रहे हैं अभी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब एकदम बेसिक चीज है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती है ये हमने कल देखा था, आज हमने हार्डवेयर, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस को चालू किया है, प्रिंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हमें फ्रेशली कल स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग कल 4 बजे आ जाइए सब लोग, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से एक एक चीज यहाँ आपकी क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको चीजें समझ में, हाँ ये पूरी फ्री है क्लासेस, यस बिल्कुल फ्री क्लासेस है ये, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसे आप लोग अटेंड कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी डाउट रहे तो आई एम हियर, नो प्रॉब्लम, नहीं अभी तो फिलहाल के लिए ये फ्री क्लासेस ही चल रही है, पेड कोर्सेज का जो भी रहेगा डिटेल वो आपको बता दिया जाएगा, है ना। पेड में ये है कि और ज्यादा आपको टाइम से और एकदम एक एक वर्ड को समझा समझा के पढ़ाया जाता है, बस यही थोड़ा सा फर्क आता है। यहाँ यूट्यूब पे हमारे पास एक टाइम कंस्ट्रेंट होता है कि आपको इतने ही टाइम पढ़ाना है, बस ये चीजें है ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।